भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के गलत फैसलों को लेकर बड़ी बात कह दी। अमित शाह ने कहा कि नेहरू सरकार ने युद्धबंदी करके और कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाके दो बड़ी गलतियां की थी, जिसकी वजह से पीओके का मुद्दा आज तक लटक रहा है और इस वजह से भारत माता का ही एक अभिन्न अंग छिन्न भिन्न होके भारत से अलग पड़ा है। पर अब मोदी सरकार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीओके में विधानसभा की 24 सीटें रिजर्व रख के अमित शाह ने ये दहाड़ लगा दी है कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और उसे हम वापस लेकर रहेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर दो बिल पास हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए टोटल 90 और पीओके के लिए अब टोटल 24 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। यानी जम्मू कश्मीर और पीओके को मिलाकर अब 114 सीटें हो गई हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 90 सीटों पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व रख के ये दर्शा दिया है कि भारत सरकार आज नहीं तो कल पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से खाली जरूर करा लेगा, क्योंकि जो हमारा है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे, लेकिन धीरे धीरे इन मंदिरों को ढहाया जाने लगा। पिछले साल ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 3 से 4 मंदिर ढहा दिए गए। इस साल भी अब तक 2 मंदिरों को गिराया जा चुका है। इस तरह से पिछले 70 सालों में पाकिस्तान 409 प्राचीन मंदिरों का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। कुछ मंदिरों को तोड़ दिया गया है, जबकि कुछ मंदिरों की जगह पर होटल, मदरसे, सरकारी स्कूल, मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। अभी जुलाई 2023 में कराची में बने 150 साल पुराने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दिया गया। आधी रात में जब सब सो रहे थे तो पाकिस्तान की सरकार के इशारे पर प्रशासन ने हिंदुओं का 150 साल पुराना मंदिर ही ढहा दिया। यहां तक कि ये बात भी सामने आई है कि इसके फर्जी दस्तावेज बनाकर मंदिर की जमीन पहले ही बिल्डर को दे दी गई थी। पाकिस्तान में अब सिर्फ 19 मंदिर ही बचे हैं। जिस तेजी से वहां पर मंदिरों को गिराया जा रहा है, इससे ये साफ है कि जल्दी बाकी बचे मंदिरों का भी अस्तित्व नहीं बचेगा। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, पर इसके बारे में सेक्युलरिज्म का राग लापने वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर कोई स्कूल आपसे ये कह रहा है कि आपको यूनिफॉर्म और किताबें स्कूल के कैंपस से खरीदनी पड़ेंगी, नहीं तो आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि साल 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को यह आदेश दिया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को स्कूल कैंपस से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। पेरेंट्स अगर चाहें तो लोकल दुकान से भी यूनिफॉर्म और किताबें खरीद सकते हैं। कई बार गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना तो चाहते हैं, बच्चा प्रतिभाशाली भी होता है, लेकिन स्कूलों की यूनिफॉर्म और किताबों के खर्चों को देखकर वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि स्कूल उन्हें जबरदस्ती महंगी प्राइस पर किताबें या यूनिफॉर्म बेचने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा से खर्चे के कारण वंचित न रह जाए। गाइज, चलिए मैं आपको हमारे बारे में 2 फन फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, एक औसतन मनुष्य का अपनी ही कोहनी पे जीभ लगा पाना असंभव है। एंड फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 1 को जानने के बाद लगभग 75% लोग अपनी ही कोहनी पर जीभ लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये फन फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपने भी इसको जानने के बाद अपनी कोहनी पे जीभ लगाने की कोशिश करी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।